प्रज्ञां सुप्रतानैः स्थिरचरणिकरां व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि शिशोद्भाषिता कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरगुणः मायया भोजयन्नो माया संख्याद्वीर्यं परमनृतजं ब्रह्म यत्तन्न दोषी। अथर्ववेदीय मांडूक उपनिषद से विचार करते हैं, परंतु प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण। आगम प्रकरण में जगत पारमार्थिक नहीं है, प्रातिभाषिक है, इसको श्रुति के आधार पर सिद्ध करते हैं। इसलिए इसका आगम प्रमाण प्रकरण बोलते हैं, क्योंकि आगम के आधार पर ये सिद्ध करते हैं। पहले दिखाया अविधान प्रधान लेकर के जगत को दिखाया, फिर बाद में अविधेय प्राधान्यता को देकर के जगत को दिखाया, और अभिधान अभिधेय अभिन्न है, इसलिए एक को निषेध कर देने पर दोनों ही निषेध हो जाएगा। इस अभिप्राय से नाम रूप निषेध हो जाएगा, तो नाम रूप का अधिष्ठान रूप दोनों समझ में आ जाएगा। इस अभिप्राय से श्रुति ने यहाँ पे पहले रूपा नामात्मक दिखाया, फिर रूपात्मक, सर्वत्म इदम ब्रह्म, फिर ब्रह्म क्या वस्तु है, परमात्मा ब्रह्म। अब उस आत्मा को समझाने के लिए यहाँ पिछवाज मतलब पुष्पत है कि सूर्य के पहला पाद की वर्णन करते हुए यहाँ पे जागृत शब्द का जागृत अवस्था को दिखाया। इसका मतलब जागृत व्यष्टि जागृत अभिमानी चेतन इंडिविजुअल है, व्यष्टि जागृत अभिमानी चेतन को वैश्यन शब्द के द्वारा कहा जाता है। उनकी एक भीषण है जागृत स्थान, मतलब जागृत विषय प्रज्ञा, जागृत अभिमान करना, उसका भीषण है बहिष्प्रज्ञ, स्वरूप को छोड़कर के सब विषय का ज्ञान उसका उस समय होता है। सप्तम उसका स्थूल शरीर में 7 अंग है, और एकों में विंशति मुख्य 19 अवयव के द्वारा विषय को भोगने एक सूक्ष्म शरीर, और इस समय केवल स्थूल वस्तु के ही भोग करता है, सूक्ष्म वस्तु के स्थूल भोग के 5 विषय में, उसका नाम है वैश्वनर। ये जो है चतुष्पाद आत्मा का पहला पाद, इसका पहला पाद। पाद मतलब पद्यते इति पाद और पद्यते अनेन इति पाद, यहाँ पे पाद का अर्थ हो जाएगा पद्यते अनेन इति पाद, इसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। इस कर्म तो जिसको पाप प्राप्त करेगा उसके यहाँ पे कर्म नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तो तुम्हारा करण अर्थ में आया हुआ है, 5 शब्द करण अर्थ में गह प्रत्यय हुआ, करण अर्थ में गह प्रत्यय पद्धति अनेन उपाय। इसके ऊपर जो भाष्य पठन 18 पेज में देखिए, सर्व पिंडात्मना अनन्यत्वात् सर्वप्रथम, समस्त स्थूल वस्तु पिंड के साथ अभिन्न होने के कारण इसी को प्रथम पद कहा गया है। मैं कल बताया था प्रथम पद मतलब प्रथमात्म प्रसिद्ध मतलब मात्मा प्रसिद्ध रूप से उसको मापा जा सके। यहाँ पे भगवान भाष्कर बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, एतत् पूर्वकत्वात् उत्तरपाद अधिगम स प्रथम प्राथम्यम अस्य। आपको हम सबसे पूछते बताओ, वर्तमान को देख करके अतीत की तरह जाना अच्छा है कि वर्तमान को देख करके भविष्य को हम सुधारा है वो अच्छा है? श्योर बिल्कुल सही, क्योंकि भगवान भाष्कर यही बोल रहे हैं, ए वर्तमान जागृत वर्तमान को देख करके एतत् पूर्वकत्वात् उत्तरपाद आगे क्या होगा उसको व्यवहारिक, मैं बोला वेदांत तो इतना व्यवहारिक वस्तु को सिखाते हैं कि आप स्वप्नों को देख करके जागृत के मैंने क्या सोचा था वो सोचना अच्छा है, अथवा जागृत को देख करके आगे कैसे स्वप्न आने वाला है तो मैं इसको कैसे बदलूं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। स्वप्न क्यों होता है? जागृत संस्कार का अंदर स्वप्न होता है, अपने जागृत को देख करके जागृत बदल सकते हैं तो स्वप्न बदल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो स्वप्न को देख करके पीछे मत देखो, गलती क्यों हुई एक बार समझ लो, फिर आगे इस गलती में कैसे ना करूं उसके लिए सोचते जाओ। ये बहुत ही दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, ए तक पूर्वकत्वात् उत्तरपाद अधिगमस्य, मतलब वर्तमान को देख करके हाँ आइए आइए क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो है वर्तमान को देख करके अतीत को लेकर के फिर मत चले जाना। अरे ऐसे आप देखिए वर्तमान को देख करके आप भविष्य को, मैं बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं
देखिए मतलब विश्लेषण क्या करते हैं, आज कोरोना को देख करके वो क्या करते हैं, हमें आगे जो है किट्स की आवश्यकता है और हमें क्या है सैनिटाइजर की आवश्यकता है, उसको प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। वर्तमान को देख करके भविष्य को सोच, इसलिए प्रथम पाद है वर्तमान। स्वप्न को देख करके जागृत में नहीं आना, स्वप्न को देख करके भविष्य में हम कैसे, इसीलिए जागृत अवस्था को पहले इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बैठ करके विश्लेषण कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इसको विचार करने के बाद हमारे स्वप्न को हम कैसे सुधारें। स्वप्न मतलब ये नहीं सोचना कि मैं सो करके स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न नहीं है ये, जो मन से हम अपना राज्य जो बनाते हैं उस पिंडों को देख करके ये मेरा गुरु है, ये मेरा चेला है, ये मेरा बाप है, ये हमारे स्वप्न राज्य है ना, ये हमारे स्वप्न, ये जो मैं और मेरा संबंध जुड़ते जाते हैं व्यवहार करते हैं, हमारे स्वप्न राज्य है। वो स्वप्न राज्य वर्तमान को देख करके मतलब क्या, वर्तमान को देख करके हमको पता लग जाता है हमारे स्वप्न राज्य हमारा दुख का कारण होता है ना, तो हमारे जो मनोराज्य को हम कम करते जाएंगे, मनोराज्य को वर्तमान में रहेंगे, इसीलिए इसमें प्राथमिकता दी गई है। और टीका का इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे, विश्वस्य तेजसा उत्पत्ति तस्यैव प्राथम्यम, है ना, क्योंकि कोई पूरा सामान्य व्यक्ति क्या होता है, दर्शन में कैसा बोलते हैं, क्या कोई कोई ऐसा भी बोलेगा, क्या बोलेगा, वर्तमान को देख करके अतीत को सोचो क्यों ऐसा हुआ, और अतीत के ऊपर अतीत में जो हो गया उसको कैसे कर सकते हो, अब भविष्य को सुधार सकते हैं, तो वर्तमान में उसके लिए प्रयास करो भविष्य के विचार करके, है ना, इसीलिए यहाँ पे ये भगवान भैया क्यों हुआ? ये सारा देखो श्रुति हमको सिखाती है, पहले वर्तमान को लिया, फिर मतलब जागृत काल वर्तमान को लिया, फिर अतीत में मत चलो, आगे हमारा स्वप्न कैसा होगा, स्वप्न को देख करके जागृत में मत आओ, जागृत को देख करके मैं आगे कैसे सुख संसार बनाऊंगा वो सोचो, देखो जीवन सुधरता जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद की बहुत सुंदर बात है, एक है आदर्श एक है जीवन। आपको यदि हम कहते हैं कि आप क्या करोगे, जीवन को आदर्श के साथ मिलाओगे अथवा आदर्श को जीवन के साथ मिलाओगे, जीवन को आदर्श, हाँ जीवन को आदर्श तक खींचिए, जीवन के साथ आदर्श को मत मिलाइए, है ना, जीवन को खींच करके आदर्श तक उठाइए, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। यदि हमने जीवन की लक्ष्य बनाया तो हम जीवन में क्या क्या आया उसको, नहीं नहीं अभी तक मैं लक्ष्य से डूब मेरे वहां तक पहुंचना है, स्वामी विवेकानंद जी का तो नहीं विवेकानंद विवेकानंद रचन बोली मैं कहीं भी पढ़ाते इसको, मतलब जीवन को आदर्श के साथ मिला, आदर्श को जीवन के साथ मत मिलाने की कोशिश करना, नहीं तो वो नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक, इसी प्रकार वर्तमान को देख करके आगे का प्लानिंग फॉर ए फ्यूचर, फिर पास्ट को मत चलो, बस हम इस समय हमारा इस हमें आगे यहाँ पे जाना है तो हमें ऐसा ऐसा करके चलना है ना, इसलिए ए तत्पूर्व करता उत्तर पाद अधिगम, यदि आप जागृत काल ठीक से विचार कर पाओगे तो उत्तर पाद का अधिगम आपका ठीक से हो जाएगा। यहीं पर हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या क्या परेशानियाँ हो रहे हैं, तब तदन पर हम स्वप्न नहीं देखेंगे, जिससे मतलब हमने मनोराज्य को नहीं बनाएंगे, यहाँ पर स्वप्न मतलब शोक स्वप्न देखना नहीं है, तत्व को नहीं जानने के कारण, तत्व को नहीं जानने का हम जो मनोराज्य को बना दिया है, मैं परिच्छिन्न हूँ, ये मेरा गुरु, ये मेरा चेला, मेरा बाप, मेरा बेटा, ये मेरा शांति, ये जगत, ये और ये मेरा संपत्ति, यही से हमारे लिए स्वप्न राज्य सपना हो गया, इसलिए होता है अब उसको लय करना है, ये तक पूर्व करता है उत्तर पद प्रथम प्रथम इसके प्राथमिकता दिया गया। अच्छा, और दीपा टीकाकार लिख रहे हैं विश्वस्य तेजसा उत्पत्ति तस्य प्राथम्यम युक्तम, है ना, विश्व की उत्पत्ति क्यों होता है कला प्रथम तेजस मतलब मनोसंकल्प जो शरीर में आता है इसीलिए उसी को प्राथम्य कहना चाहिए, युक्तम कार्य सुख पश्चात धावितम, कार्य तो बाद में होता है, ये कहना युक्त संग आशंक बोलते हैं नहीं नहीं कार्य को देख करके ही आप कारण को ठीक से समझ सकते हैं, और दूसरी बात है कार्य को देख करके आप कारण की ओर मतलब आप क्योंकि भविष्य जीवन के लिए आपको सोचना है तो कार्य के ऊपर इधर ध्यान दीजिए, सपनों को देख करके जागृत में मत आइए, जागृत को देख करके सपनों का सुधरने का कोशिश करें तभी सुधरेगा वो, ठीक है ना, इसलिए बताओ। और दूसरी बात क्या है, यदि देखो प्रविलापन अपेक्षा या प्रथम या न सृष्टि अपेक्षा है, ठीक है, कार्य बोलते हैं प्रविलाप की अपेक्षा से इसकी प्राथमिकता दिया गया है, प्रविलाप करना तो हमारी मन और राज्य को हम कैसे कैसे लय करते जाएंगे, सृष्टि की अपेक्षा से नहीं, सृष्टि की अपेक्षा में तो कारण की पहले आवश्यकता है, सृष्टि की अपेक्षा में कारण पहले चाहिए बाद में कार्य, परंतु प्रविलाप में क्या है पहले कार्य से आपको लय करना पड़ेगा, कार्य कारण में लय होता है इसलिए कार्य को लय करना पड़ेगा,
इसलिए आप बोलते हैं प्रविलापन अपेक्षा प्राथम्यम न सृष्टि अपेक्षा इत्यर्थ, सृष्टि की अपेक्षा से नहीं है ये हमको समझना। ठीक है, यहाँ तक हमने कल थोड़ा सा छूट गए थे एक दिन। अब जो प्रश्न उठाए थे, प्रश्न यहाँ पे हुई थी स्वयं आत्मा चतुष्पाद, आत्मा मतलब यहाँ पे दिखाया आपने, तो इसका चार पाद कहना चाहिए। आपने विराट पुरुष को लेकर फिर शुरू कर दी, ये तो बिल्कुल संगत नहीं है। मतलब क्या हो गया कि आध्यात्मिक और आधिदैविक में भेद को मान्यता देकर कैसा कहा जा रहा है। शंका तब होगा जब आप आध्यात्मिक और आधिदैविक में भेद मानेंगे। आत्मा शब्द ही मतलब यश के रूप में हम सोचते हैं, परंतु यही को इसी को तोड़ना है। आत्मा कहते ही जैसा व्यष्टि रूप में सोचता हूँ दिमाग में हुई, इसी स्वप्न को तो तोड़ना है। जागृत में बैठ कर के स्वप्न को तोड़ना है कि आत्मा मत तो व्यष्टि नहीं है, आत्मा मत तो पूर्ण है। ठीक है ना, परमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा क्या है, व्यापक है, और हमारे दिमाग में क्या बैठे हुआ है, मैं परिच्छिन्न हूँ। ब्रह्म के भी तो नहीं हो सकता, आरोप करके समझाया जा रहा है, यही बात है। अब देखिए आप एक प्रश्न अंतिका में अध्यात्म अधिदैवयोर भेदम आदाय प्रागुप्तम सप्तंगत्वम अक्षिपति, आध्यात्मिक और अधिदैविक दोनों भिन्न है, इसको मन में रख करके पहला जो आपने दिखाया गया है कि आत्मा सात अंगों वाले है, तो अधिदैविक में दिखा दिया पुरुष में दिखाया, तो परिच्छेद में कैसे होगा, वो दिवलोक तो हमारा सर थोड़ी है, सर यहाँ पे ये जो संक्षिप्त ये सप्तांगत्वम अक्षिपति, सप्तंगत्व को ऊपर आक्षेप करते हैं। ठीक है, एक चीज और फंडामेंटल चीज को समझ लीजिए, एक होता है साध्य वस्तु, एक होता है सिद्ध वस्तु। अध्यात्म हमेशा सिद्ध है, और इसको छोड़कर के अधिभौतिक अधिदैविक अधिजोग्य अधिभूत सारा साध्य है। सिद्ध और साध्य में भिन्नता इतना है, साध्य मतलब किसी के माध्यम से सिद्ध होता है, और सिद्ध मतलब स्वतः सिद्ध है। जो साध्य होगा वो परोक्ष होगा और वो व्यवहार्य होगा, जो सिद्ध होगा वो अपरक्ष होगा वो अव्यवहार्य होगा। समझ में आता है ये चीज, यदि ये चीज समझ में आ जाता है तो आगे का भाग आपको समझ स्पष्ट में आ जाएगा। क्या बोला, एक है साध्य वस्तु ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष में आया हुआ है, ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष में भगवान साध्य वस्तु और सिद्ध वस्तु, संसार में सारा वस्तु साध्य वस्तु है, मतलब दूसरे के सारे सिद्ध होते हैं। जो साध्य वस्तु होता है वो व्यवहार्य होता है, वो परोक्ष होता है, परिच्छिन्न होता है, परोक्ष होता है, दूसरे के माध्यम से सिद्ध होता है, और जो सिद्ध वस्तु होता है वो अपरक्ष हो जाता है, वो अव्यवहार्य होता है। अब उसी को लेकर के देखिए कितना सुंदर भाषा को समझाएंगे। और हमारे क्या है, ये अध्यात्म का हमने बोला पहले पहले हमने परिच्छिन्न मान लिया था, अब हमको क्या देखा तुम परिच्छिन्न नहीं हो, ये आधिदैविक आधिभौतिक ये सब साध्य वस्तु है, ये तो तुम्हारे साध्य सारे सिद्ध हो रहा है, तुम्हारी हम इसलिए कह रहे हैं इतना तक तुम्हारी व्याप्ति है इस परिच्छिन्न का, इसलिए शंका उठाता है उसमें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बोलते हैं अध्यात्म अधिदैवयोर भेदम आदाय प्राग उत्तम सप्तंगत्वम अक्षिपति, पहले जो कहा गया सात अंग उसको पर आक्षेप करते हैं। आक्षेप क्या करते हैं, कथम अयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्येक आत्मन अस्य चतुष्पादे प्रतीते द्विलोकादीनां मूर्धादि अमृतमिति संगम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कथम कैसे ये हो सकता है, आपने क्या कहा प्रतिज्ञा वाक्य अयमात्मा ब्रह्म, यदि अयमात्मा ब्रह्म है प्रत्येक आत्मनस्य अस्य, ही प्रत्येक आत्मा यहाँ पे है, ये प्रत्येक आत्मन अस्य जो है ना, इसलिए आत्मा मतलब तो परिच्छिन्न रूप दिखाना, प्रत्येक आत्मन अस्य चतुष्पाती, यहाँ पे आपको चार पैर दिखाना पड़ेगा, चाहते प्रकृति वो आपका प्रकृति मतलब आपका विचार नहीं है, दूलोक आदि ना मूर्ध आदि अमृत ये कैसे हो सकता है, खत्म अमृत दूलोक आदि अमरांग कैसे हो जाएगा, ये शंका भाव। ठीक है ना, ये चीज जो मुख्य चीज यहाँ पे समझ रहे हैं, शंका क्यों हो रहा है, मैं मतलब ये परिच्छिन्न अवस्था ऐसा हमारे बुद्धि में दृढ़ बैठी हुई है, ये एक सपना अवस्था ही हम नहीं समझ पाते हैं, श्रुति हमको सपने से जगाना चाहते हैं, ये सपने से जगाना चाहते हैं, ये वेदांत भिन्न भिन्न है, मैंने कि आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैवी ये सारा परोक्ष, यदि उसको आप जो ऐसे साध्य मानोगे ना तो परोक्ष रह जाएगा, कभी आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा, आत्मा को ब्रह्म रूप व्यापक रूप नहीं समझ पाओगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, इसी को समझा रहे हैं, ब्रह्मणि प्रकृति तस्य परोक्षत्वे संकेत, देखिए यदि ब्रह्म क्या है परोक्ष है, ठीक है ना, ब्रह्म क्या है, कहाँ रहते भगवान, कहाँ रहते
सामान्य यही है, मैं परिच्छिन्न ये हूँ और भगवान हमसे भिन्न है, ये हमारा सामान्य नियम है, हमेशा यही चीज चलता है। अब इसको इस बैरियर को तोड़ना है, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मणि प्रकृति, ब्रह्म जो प्रकृति विचारणीय है, तस्य परोक्ष सत्य शांति धाम को क्या लगता है, ईश्वर जो है दूर में, ईश्वर परोक्ष दूर देश में, तब जब परोक्ष होगा तो साध्य वस्तु होगा, मतलब मैं उसको सिद्ध करूंगा तो साध्य वस्तु हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं परोक्ष निराशक्त, इस शंका को दूर करने के लिए, ठीक है ना, इसको दूर, मतलब ईश्वर में परोक्ष सत्व तो ब्रह्म में जो परोक्ष सत्व बैठा हुआ है इसको दूर करना, इसको दूर करना, इसीलिए मैं बोलता था समय इसमें परिच्छिन्न का दूर करना, वो उसमें उसमें परोक्ष को दूर करना, यही तत्वमसि महाभागवत में इसी को कहा गया है, तत् और तम एक दूसरे का विशेष भूषण रूप में प्रयोग होकर के ये तम पद में परिच्छिन्नता और तत् पद में परोक्षता को दूर करने, पूरा श्रुति का ही अभिप्राय, ठीक है। तो ईश्वर बोलते हैं हमारे मन में परोक्ष तो बैठा हुआ, परक्षत्व इसीलिए और क्या हो जाएगा हमसे भिन्न वस्तु, इस शंका को निराकरण करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, क्योंकि तम हमेशा अपरक्ष है परंतु परिच्छिन्न है, तम हमेशा अपरक्ष है परंतु परिच्छिन्न है, और तत् हमेशा परोक्ष है परंतु व्यापक, तत् और तम में जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी परोक्षता से इसकी उसमें जो परोक्षता बैठा इसको अपरोक्षता के अंदर विशेष करके मतलब व्यापक अपरक्षता, व्यापक अपरक्षता अथवा अपरक्ष व्यापकता, समझ में, अपरक्ष व्यापकता व्यापक अपरक्षता, तत् मतलब हो गया व्यापक, तम मतलब एक दूसरे विषय विषय मतलब अपरक्षता, व्यापक व्यापकता की अपरक्ष हुई आपकी, ज्ञान बस इतना ही मतलब प्रयास है सोते, एक शब्द में कितना सुंदर बोला अनंत जी ने, प्रकृति ब्रह्मणि तस्य परोक्ष तस्य मतलब वो जो ब्रह्म हुआ प्रकृति जो विचारणीय जो ब्रह्म है वो यहाँ पे उसको परक्षत्व उसमें परक्षत्व धर्म बैठा हुआ है, मैं हमेशा बोला परक्ष मतलब दूसरे का तरह सिद्ध होगा, वो परिच्छिन्न होगा और नाशवान भी होगा, अब व्यवहार जो भी होगा, क्योंकि व्यवहार जैसे नाशवान है व्यवहार जो होगा वो, और तब क्या हो जाएगा कि वो कभी भी हमारा नित्य रूप में रह नहीं पाए, नित्य रूप में नहीं, इसीलिए इसको अपरक्ष रूप में डाकर अव्यवहार जो बोलेंगे ब्रह्म अव्यवहार जो है, अब ये चीज जितना धीरे 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 हमारे अंदर स्थिर होता जाएगा उतना व्यवहार का होता जाएगा, जितने आप व्यापकता की ओर अपने को ले जा पाएंगे उतना व्यवहार का होता जाएगा, प्रारब्ध से शरीर व्यवहार करता रहेगा, आत्मा में व्यवहार में निश्चय रहेगा। अब आपके वचन के तब निराशक्तम ब्रह्म अयम आत्मा इति, ठीक है ना, इसको निराकरण करने के लिए आत्मा ही ब्रह्म ही आत्मा इति, प्रत्येक आत्मा नाम प्रकृत, इस प्रत्येक आत्मा को विचार में ला करके सो अयम आत्मा चतुष्पाद इति, वो आत्मा चार पाद है, इस प्रकार से चतुष्पाद ते वो आत्मा को चार पाद कहने के मतलब संदर्भ में ला करके तस्य प्रक्रांत, उसी प्रकार से आपने शुरू किया दुलक आदि नाम मूर्धादि अंगत्तम सिद्धियर्थम, ये दुलक आदि जो हमारे मूर्धा दिया उसी आत्मा का अंग सिद्धि करने के लिए जब उत्तम, ये जो आपने कहा तब अभ्युक्तम, ये आपका युक्ति संगत नहीं है, क्यों, प्रक्रम विरोधात, आपने प्रक्रम में क्या कहा था, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा में दुलोक, कभी किसी को बोलो तुम्हारा सर दुलोक है कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, इसलिए आपका जो आपका बात ये युक्ति संगत नहीं है, परंतु यही युक्ति संगत है, ये हमारे अज्ञान से प्रतीत होता है, आत्मा बोल रहे हैं आत्मा को विषय करता है। आपने प्रतिज्ञा किया प्रत्येक आत्मा के बारे में बोलेंगे, कहने किसके बारे में लग गया, वैश्वर आत्मा के बारे में लग गया, ठीक है ना, अरे प्रत्येक आत्मा ही वैश्वन है व्यापक है, यही समझाना श्रुति का अभिप्राय, जब तक हम नहीं समझते हम क्या लगता है वो भ्रांत बोल रहे, श्रुति गलत बोल रही, इसलिए आपने बोला
तस्य वैश्यानर आत्म विषय न अधिदैव परत्ता, तो अधिदैविक है, इसलिए आप अध्यात्म में कैसे घटाओ उसको, ठीक है। आपके मतलब है अध्यात्म और अधिदेव में भेद की मान्यता देकर के संभव करेंगे, श्रुति के ही निर्णय करने के आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक में भिन्नता नहीं है, ये एक ही के ऊपर सब दिखाई देता है, एक ही तथ्य के ऊपर। मतलब मैं दृष्टांत तो दिया था पंचदशी के, ये दृष्टांत तो ध्यान रखना, कपड़ा ही सत्य है, कपड़े के ऊपर मार भी, पेंसिल के दांत भी, रंग भरना, ये सब जो है तात्कालिक है, केवल समझने के लिए, अभी कपड़ा ही सत्य, मृत्यु का ही तेव सत्य, मूल कारण ही सत्य है, इसी को बोलते हैं यात्रा अभियुक्त है, यह तक हो गया। अब फिर आ जाइए टीका में, अध्यात्म अधिदैवयोः भेद अभावात् है ना, ये बोल रहे हैं सिद्धांत पक्ष से, ये जो आप अध्यात्म और अधिदैविक में भेद मान रखा ना, तब जा करके आप ये तथार्थ नहीं होता, ये तथार्थ क्या है, ये अभेद है, आध्यात्मिक अधिदैविक जगत अभिन्न है। इसीलिए श्रुति बार बार कोशिश करती है कि देवता स्व तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है कि नहीं, सारा देवता इंद्रियों में बैठा हुआ, शरीर में बैठा हुआ है, देवता की व्यापकता हमको समाज में आता है, अब जब यहाँ बैठे हुए तो तुम अपने को देवता कर सकता है। इस अभिप्राय से देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अध्यात्म अधिदैवयोर भेद अभावात् न प्रक्रम विरोधवस्ति, इसलिए हमने जो शुरू प्रक्रम मतलब शुरू में भूमिका में जो हमने कहा था उसमें कोई विरोध नहीं है, कि परिहरत इस मन में रखते है उसके अंदर नैश दोष, ये कोई भारी दोष नहीं है, आप केवल क्योंकि मैं कहती ये परिच्छिन्नता बुद्धिमान मुक्त हुई है, इसको ही तोड़ना है, विचार पूर्वक इसको तोड़ना है, इसे जैसे ही परिच्छिन्न बुद्धि आएगा उसी स्वप्न राज्य तैयार हो जाएगा, ये मेरा मैं और ये मेरा, ये स्वप्न राज्य तैयार हो जाएगा, है ना, उसी को देखकर के बोलेगा नैश दोष, क्यों क्यों दोष नहीं है, तत्र हेतु मह, ये प्रतीक है, हमारी स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, आप आपका स्टेटमेंट सही है तो सिद्ध करने के लिए क्या आप दिखाना पड़ेगा, आपको प्रतीक हेतु दिखाना पड़ेगा, प्रतीक का वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु देना पड़ेगा, यहाँ पे हेतु हेतु तत्र हेतु मह, सब देखिए न्याय पढ़ने से आपको ये पता लग जाता है कि वाक्य की शैली कैसी होती है, बोलने की शैली कैसी होती है, ठीक है ना, बोलने की शैली कैसी होती है, यदात्र हेतु सर्वस्व प्रपंच साधि दैविक अनेन आत्मना चतुष्पाद्य विवक्षित, यही कहना शुद्धि के अभिप्राय होने के कारण बोलने का अभिज्ञा सर्वस्व प्रपंच जो भी प्रपंच मतलब अधिभौतिक जगत साधि दैविक उसको अंदर मतलब देव दैवेन सह दैविक है ना, तो देवताओं के भाग को लेकर के अनेन आत्मना ही हो गया अध्यात्म, इस आत्मा के साथ तीन चीज बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार, सर्वस्व प्रपंच मतलब अधिदैविक जगत अधिभौतिक जगत सारि दैविक उसके साथ जो उसका अंदर देवता बैठा है उसका, और उसके साथ के अनेन आत्मना इस आत्मा के साथ, यानी कि आध्यात्मिक के साथ अधिभौतिक और अधिदैविक जगत भिन्न नहीं है, तब क्या हो जाएगा आप अपने से चतुष्पाद्य इस प्रकार चतुष्पाद दिखाना अभियुक्त नहीं, जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक जागृत स्वप्न की व्यक्ति है, लेकिन ये उपासना के लिए नहीं है, ये उपासना के लिए नहीं है, उपासना के लिए विचार के लिए, विचार करते हुए आप उसके बाद में बाहर देखिए, उपासना के लिए नहीं है, मैंने इसलिए होते हैं सर्वस्व प्रपंच साधि दैविक अनेन आत्मना इस प्रकार से, क्योंकि उपासना करने से होगा नहीं, ये विचार करने से निकल जाएगा, ये विचार करने से जो भ्रांति है वो निकल जाता है, बार 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 जैसे हम ये साधि दैविक जगह की आध्यात्मिक के ऊपर ही भौतिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भौतिक पिंड भी है जिसके अंदर अधि मतलब अधिदैविक भी है, सूक्ष्म शरीर में उसके अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा भी बैठा हुआ है साक्षी अंदर जागरूक, आप इसको आप यहाँ पे चेतनता ही पूर्ण व्यापक है, ये चेतनता ही पूर्ण व्यापक है, यदि ये हमको समझ में आ जाए तो अधिभौतिक अधिदैविक व्यापक, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे शरीर तो ठीक है परिच्छिन्न, इसमें तो कोई शंका नहीं है, शरीर तो परिच्छिन्न दिखाई देगा, भौतिक पिंड परिच्छिन्न हो सकते हैं, परंतु उसके अंदर जो चेतनता है वो चेतनता में परिच्छिन्नता नहीं है, और जिसमें आकाश पिंड अलग अलग घर आदि के साथ अलग अलग दिखाई पड़ता है, आकाश में परिच्छिन्नता नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं आध्यात्मिक अधिदैविक न सहित, ठीक है ना, आध्यात्मिक और अधिदैविक के साथ प्रपंचस्य सर्वस्व जो अधिदैविक भौतिक जगत को स्थूलस्य है ना, ये स्थूल जगत दिखाई पड़ता है, पंचीकृत पंच महाभूत है ना, तत्कार्यस्य अनेन आत्मना विराज प्रथमा पादत्तम, ये हो गया विराज हो गया प्रथम पाद, क्या बोला आध्यात्मिकस्य आध्यात्मिक मतलब
इंडिविजुअल सेल्फ, और फिर उसके साथ अधिदेवी के सहितस्य प्रपंचस्य, अधिदेवी जहाँ बैठा हुआ है पूरा प्रपंच में बैठा हुआ, अध्यात्म में बैठा हुआ है, प्रत्येक इंद्रिय गोलक, इंद्रियों में इंद्रियां हो गया, सूक्ष्म से इसको अधिष्ठात्री देवता, इंद्रिय गोलक हो गया अधिभौतिक इंद्रिय, और इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता अधिदेवी, अधिभौतिक फिर आध्यात्मिक और अधिदैविक, भौतिक देव से विकसित है, इसलिए हमें बोलते हैं आध्यात्मिक अधिदैविक न सहित प्रपंच सर्वस्व एवं स्थूलस्य, जितने हमको स्थूल वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो कैसे बना, पंचीकृत पंच महाभूत, ठीक है ना, पंचीकृत पंच महाभूत का बना है स्थूल जगत, पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है अव्याकृत, इन तीनों का ये दोनों का बीज अवस्था है, और मुख्य चीज इसमें कुछ भी नहीं है, बीज भी नहीं, निर्गुण मेरा अब कुछ भी देखिए, एक एक करके समझा रहे कि स्थूल से पंचीकृत पंच पंच महाभूत तट कार्यात्मक, पंचीकृत पंच महाभूत का ये कार्य है पंचीकृत स्थूल जगत आत्मना, क्योंकि दिखाई कहाँ पड़ रहा है वो शुद्ध चेतन के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है, एक कपड़े के ऊपर ही हमने पेंट करके हमने बना दिया कपड़े, इस आत्मा के जिस कपड़े के साथ उस दृष्टांत को ध्यान रखना, पंचदृष्टि को दृष्टांत को उस कपड़े के ऊपर ही पेंट किया हुआ जगत दिखा, मतलब शुद्ध चेतन के ऊपर ही पेंट किया हुआ जगत हमारे मन पेंट करके तो दिखा रहा है, इसलिए बोलते हैं कि अनेन इस आत्मा के साथ विराजा अनेन आत्मना विराजा विराज विराट के साथ तृतीय एक वचन है प्रथम पादत्व, उसी में प्रथम पादत्व रूप में धर्म बैठा हुआ है, चार नंबर टिप्पण में बोलते हैं मतलब विराट स्वरूपेण व्यापक स्वरूप के साथ उसके एकत्व को दिखाया, आत्मा की एकत्व, हाँ व्यापकता के साथ आत्मा की एकत्व को दिखाया है, तो ये परिच्छिन्नता कैसे मिटे उसके लिए श्रुति यहाँ से कोशिश करते हैं, आपको ये पता लगता है क्या पता लगता है स्थूल जगत कहाँ तक व्याप्ति हमारे दिमाग में नहीं है, मतलब तो स्थूल जगत की अनंतता का आपको समझ भी कहीं ना कहीं अंत होगा, ये तो समझ में आता है, मतलब मैं हूँ नहीं है ये समझ में नहीं आता, परंतु जब इस स्थूलता के साथ अपने अभिन्नता को दिखाएंगे तब क्या हो जाएगा, हम भी इसके साथ अपने को फैलाते जाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्यात्मक अनैन आत्मना विराजा प्रथम पादत्तम, फिर तस्य एव सूक्ष्मस्य अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मन हिरण्यगर्भात्मन द्वितीय पादन, ठीक है ना, उसी का ही उस चेतन तत्व के ऊपर जब केवल मात्र सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत के बना हुआ जगत कह रहे हैं, तस्य एव सूक्ष्मस्य अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मन, अपंचीकृत पंच महाभूत से बना कार्यात्मन उसका पुरुष से बना हुआ जो हिरण्यगर्भात्मन है, वो जो हिरण्यगर्भ रूप में जिसको दिखाई पड़ते हैं वो हो गया आपका द्वितीय पद, हो गया द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद था, तस्य एव कार्य कारण रूपतां त्यक्त्वा कारण रूपतां आपन्नस्य अव्यक्त आत्मना तृतीय पद, ठीक है ना, इसको ईश्वर नाम से कहते समष्टि नहीं होते, तस्य एव उसी चेतन का ही कार्य कारण रूपतां त्यक्त्वा उसमें कार्य और कारण रूप दोनों छोड़ करके बीज अवस्था में जाना पड़ेगा, कारण रूपतम आपन्नस्य केवल मात्र कारण रूप में विद्यमान है, कार्य कारण दोनों ने केवल कारण रूप में बीज अवस्था में विद्यमान है, कारण आता भी नहीं समझ में आता, आपन्नस्य अव्यक्त आत्मा अव्यक्त स्वरूप के साथ उसको तृतीय पद माना जाता है, जिसको यहाँ पे समष्टि में हम बोलेंगे ईश्वर दृष्टि बोलेंगे प्राज्ञ, जैसे हिरण्यगर्भ तेजस विराट और विश्वनर, ये देखिए विराट शब्द प्रयोग क्या होता है, व्यापकता को लेकर के होता है, समष्टि जगत को लेकर के होते हैं, समष्टि जगत को लेकर के बोलता है, समष्टि जगत में एक हो गया विराट, एक हो हिरण्यगर्भ, एक हो गया अव्यक्त, मतलब अंतर्यामी ईश्वर रूप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं तस्यैव कार्यात्मन रूपस्य त्यक्त्वा कारणात्मन रूपतम आपन्नस्य अव्यक्त आत्मन तृतीय वही तृतीय पाद है, अभी आकाश को भी बोलते हैं आकाश शब्द प्रयोग किया, अव्यक्त शब्द प्रयोग किया है ना, उसको जो है अंतर्यामी शब्द प्रयोग किया, भिन्नता से कभी कभी है तो वही तत्व तु, अब इसी का ही उसी चेतन तत्व का ही तस्व तु कार्य कारण रूपतां विहाय कार्य कर्म को छोड़ करके सर्व कल्पना अधिष्ठानतया स्थित समस्त कल्पना की अधिष्ठान के रूप में पेज 19 समस्त कल्पना की अधिष्ठान के रूप में सर्व कल्पना अधिष्ठानतया स्थित सत्य ज्ञान अनंत आनंद आत्मना चतुर्थ पादत्तम, उसी के अंदर जब ये हो गया आपका पद्यते इति पाद इसको प्राप्त किया जाता है,
यानी तत्सेव उसी चेतन तत्व का तत्सेव तो कार्य कारण रूपता विहार कार्य कारण रूपता तो छोड़ दिया परंतु अव्यक्त अवस्था में क्या आता है मतलब वहाँ पे आपका बीज अवस्था है कारण भी नहीं दिखाई पड़ते और यहाँ पे क्या कार्य कारण दोनों छोड़ करके बीज भी नहीं है शुद्ध चेतन का इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि कारण रूपता विहार ऊपर में देखिए कार्य कारण रूपता त्यक्त्वा और यहाँ पे क्या होता है कार्य कारण रूपता एक ही अर्थ अभी आए परंतु वहाँ पे क्या किया था कि कारण रूपता आपन्नस्व अव्यक्त जो कारण रूप भाव को प्राप्त किया अव्यक्त को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर्व कल्पना अधिष्ठान था समस्त कल्पना के अधिष्ठान के रूप में स्थित जो विद्यमान है वो किस रूप में विद्यमान है सत्य ज्ञान अनंत आनंदात्मना स्वरूप से वो रूप से इस भाव से चतुर्थ पद इसी एक ही तत्व में चार पद की व्यवस्था हो गया है तो एक मतलब याद हो गया कि निर्गुण निराकार निर्विशेष उसके ऊपर अब मतलब माया उपाधि से वो हो गया अव्यक्त और फिर जो है सूक्ष्म शरीर उपाधि से हो गया हिरण्यगर्भ विराट के साथ वही हो गया आपका स्थूल शरीर के साथ हो गया विराट और वो समष्टि रूप में पूरा एक व्यष्टि में नहीं आप समष्टि रूप में देखिए उसी को इस रूप में अब आप हमारी क्या है ये आध्यात्मिक और अधिदेवी जगत को एक दिखाने के लिए हमारी इस व्यष्टि परिच्छिन्नता को तोड़ना है इसलिए यहाँ पे आध्यात्मिक अधिदेवी जगत को एक करके कहा गया तो इतना ही अपना मूल था कि सस्ते इसीलिए वचन रूपन है जब हम आहुति देते हैं तो क्या होता है कि प्राणायाम स्वाहा तो चक्षु तृप्त होते हैं चक्षु तृप्त होने से द्विलोक तृप्त होते हैं द्विलोक तृप्त होने से द्विलोक और चक्षु आदित्य लोक के बीच में जितना जीव है वो तृप्त होता है वो तृप्त होने से तब जाकर के वचन रूपन तृप्त होता है तो अब देखिए कि हम अपने लिए भोजन मतलब हम एक इसी मुँह में आहुति दे करके चतुर्थ भुवन को तृप्त कर रहे हैं तो इससे क्या होता है आप अपनी व्यापकता को अपने विस्तार को समझ सकते हैं इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि स्थित यहाँ पे पांच नंबर की परिस्थित मतलब तुरीयस्य जो ये तीनों के सापेक्ष में जिसको चौथा रूप में समझा जाता है तुरीयस्य इति अर्थ सत्य ज्ञान अनंत आनंदात्मन जो श्रीकाल अबाधत्तम सत्यत्तम जहाँ पे जड़त्व नहीं है वो हो गया ज्ञान रूप जहाँ पे शोक मात्र नहीं है दुख नहीं है वो हो गया आपका जहाँ पे वस्तु परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता नहीं है हो गया अनंतता और इसके फलस्वरूप आनंदता क्योंकि जो भाई भूमा तक सुख व्यापकता में सुख है परिच्छिन्नता में सुख नहीं है इसलिए बोलते हैं सत्य ज्ञान अनंत आनंद आत्मा आत्मनाता इस स्वरूप के इसी में ही चतुर्थ पाद आ जाता है एक निर्गुण निराकार निर्विशेष में ही चौथा रूप में गिना जाता है वो दिखाई पड़ता है ऊपर स्थूल व्यापक रूप परंतु एक के बाद एक जब दूसरे को प्रविलय करते जाएंगे कार्य को कारण में लय करते जाएंगे स्थूल शरीर को आपका सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म को कारण शरीर में कारण को कारण सूक्ष्म पीछे जो निर्गुण विशेष और यही सृष्टि की उपयोगिता है ये स्वयं श्रुति अपने मुँह से कहती है सृष्टि की उपयोगिता क्या है जैसे भगवान श्री कृष्ण कि न रूपम अश्रय तथा उपलब्ध है बोल करके होते हैं असंग शस्ति न दीर्ण तथो पदम तत्व उसके बाद आप उसको पद को जोड़ो ये उच्छेद वृक्ष शब्द का अर्थ जो उच्छेद का योग्य है बनाया क्यों वृक्ष को उच्छेद करने के लिए सृष्टि संसार को क्यों किया कि कार्य भाग को लय करने के लिए तभी कारण समझना है ये इसका अभिप्रेत रहता है तद एवं अध्यात्म अधिदैवयोर अभेदम आदाय उक्तेन प्रकारेण चतुष्पादस्य वक्तुम इष्टता पूर्व पूर्व पादस्य उत्तर उत्तर पादात्मना प्रविलापना तुरीय निष्ठायां तरयावशनम सिद्धति इत्यर्थ आनंद गिरि जी ने पूरा एक सेंटेंस में पूरा इसका डिटेल इसका अभिप्राय क्या है बता दिया यहाँ पे तद एवं है ना वो इस प्रकार से क्या हो गया अध्यात्म अधिदैवयोर अभेदम आदाय क्योंकि स्थूल शरीर तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं परंतु इसके अंदर जितना सूक्ष्म भाग जाएंगे उतना अपक व्यापकता उसका अपक परिच्छिन्नता राहित्य पर जाए तो दिखाएगी ये आध्यात्मिक और अधिदेवी स्थूल है अधिभोक्ति वो परिच्छिन्न दिखाई देगा फिर इसके अंदर जो देवता बैठा हुआ है वो व्यापक है देवता से पीछे जो ईश्वर बैठा वो भी व्यापक है देवता ईश्वर दोनों उपाधि के साथ छोड़ देगा तो जो निर्विशेष व्यापक है इसके यहाँ पे अध्यात्म अधिदैवयोर
अभेदम आदाय उसको अभिन्नता को मन में रख करके उक्तेन प्रकारेण उपउक्त प्रकार में जैसा हमने ऊपर कह करके आया पहले आपका अधिभौतिक प्रपंच फिर उसके बाद अधिदैविक प्रपंच उसके बाद जो है आपको बीज अवस्था और फिर एक विशेष अवस्था है इसलिए उक्त प्रकरण चतुष्पाठस्य इसका चार पाठ को दिखाना वक्तुम इष्टता वहाँ पे बोलना अभिष्ट होने के कारण तो क्या करना पड़ेगा पूर्व पूर्व पादस्य है ना जो पहला पाद है प्रथम पाद को कहाँ पे द्वितीय पाद में लय करना पड़ेगा द्वितीय पाद को तृतीय पाद में लय करना पड़ेगा फिर तीनों पाद हटा करके शुद्ध शुद्ध को बोलना इसलिए बोलता है भगवान बात चुका बोलेंगे इसका अभिप्राय क्या है कि उत्तर 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 पादात्मन प्रबिलापन क्या हो जाएगा आपका जिस प्रकार देखिए ये पुस्तक हमारे पास स्थूल रूप में दिखाई पड़ते हैं विचार करते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आप अल्टीमेटली आप पृथ्वी तत्व में आ जाएंगे पुस्तक पृथ्वी तत्व में आ जाएगा पेपर प्रिंटिंग चलेगा पल्प रूप में आ जाएगा फिर कहाँ से पृथ्वी तत्व में आएगा वहाँ पे आप पहुंचेंगे इस प्रकार से उत्तर पूर्व को उत्तर में लय करते जाएंगे पूर्व को उत्तर में लय करते जाएंगे तो व्यापक हो जाएगा पुस्तक परिचिन्न है जैसे ही आप पृथ्वी तत्व में आ जाएंगे तो व्यापक हो जाएगा है कि नहीं इसीलिए पे बोलते हैं कि पादात्मना प्रबिलापना उसको उसमें प्रबिलाप कर देने पर तुरीय निष्ठायां पर्यतः क्या हो जाएगा तुरीय मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष में निर्व्यापक होता में निष्ठता आ जाएगा निष्ठायां पर्यवसन सिद्ध जो वहाँ पे पर्यावसित हो जाएगा तो वहाँ पे इट्स एंड सिद्ध होता है कैलेंडर सिद्ध हो पर्यावसित वो सिद्ध हो जाता है यदि छह नंबर टिप्पणी तुरीय निष्ठाया पर मतलब तुरीय निष्ठा चतुष्पक्त कल्पना फलम इत्यादि जो तुरीयों में निष्ठा लाने के लिए चार पैद की कल्पना की गई है ना एक पद्धति एक ही बार उसको प्राप्त कराने के लिए इस चार पैद की कल्पना की गई तुरीयों को चौथा नहीं है ये तीन में अनुसूत है ना तो एक के बाद एक को लय करते जाएंगे तो अधिष्ठान तत्व में पहुंच जाएंगे अब जो है यहाँ पे लय की प्रक्रिया कैसे जितना आप देखो जागृत प्रपंच को जितना बैठ करके विचार करके आप अपनी पहले मतलब मन राज्य में आ जाओ मन राज्य में आने के बाद मन राज्य से भी तेरा थोड़ा एक सामान्य रूप में बैठ करके आपको एक मतलब अच्छा चीज जो आपको अच्छा लगता है मन को प्रसन्न करता है ऐसा एक चीज मतलब सारा नाक आँख कान बंद करके आप उसकी चिंता करिए इसको अपने ध्यान यथा भी मतलब ध्यान योग सूत्र है आपने उसमें ध्यान करते करते आपको एक आप जो है जो अभिष्ट वस्तु आपको कुछ कर रहा है मन उसमें धीरे धीरे लय होने लग जाए पर आपको लगेगा कि एक मैं ध्यान कर रहा हूँ फिर धीरे धीरे ध्येय वस्तु आपके सामने रहेगा ध्यान करने वाला ध्यान क्रिया भी आ जाएगा अब क्या है ये जो ध्येय वस्तु को आपने किस रूप में मान करके आपको अच्छा लग रहा है वहां से एक मिनट के लिए उसको रोक दीजिए और मनोराज्य में मन को विनाश कर दिया अब आपका अस्तित्व तो कहाँ रहेगा लगेगा कुछ नहीं है डर लगने लग जाएगी क्योंकि हमारा अपना अस्तित्व तो हमेशा किसी ना किसी माध्यम से हमको अनुभूति होता रहा परंतु अब अपने जागृत में बैठ करके सुषुप्ति अवस्था में आने का कोशिश कर रहे हैं जागृत में बैठ करके सुषुप्ति आने का मतलब क्या हो जाएगा कि स्थूल शरीर के साथ आध्यात्मता छोड़ दिया आपने कुछ देर तक मनोराज्य में रहा फिर मनोराज्य इंद्रियों तो बंद कर लिया था आपने और फिर मन राज्य से भी हटा दिया मन आपको अवलंबन नहीं रहेगा मैं क्या हूँ आपको लगेगा कि मैं नामक कोई तो मैं हूँ ही नहीं डर लगने का परंतु उस समय के शास्त्र के पास आप अरे यही मेरा मालूम अस्तित्व है जो विषय रूप में नहीं आ रहा है सामने से डर रहा हूँ मैं तो ये तुरीय तक पहुँचने का ये उपाय है तुरीय तक पहुँचने का ये उपाय इसलिए बोलते हैं अध्यात्म आदि गरीब और अभेदा महादाय वक्त निष्ठता पूर्व पूर्व पाद उत्तर उत्तर पादात्मना प्रबिलापना तुरीय निष्ठा पर जाओ कहाँ पे लाना है आपको निष्ठा चतुर्थी में लाना है और सिद्ध की दिया ये जो तुरीय निष्ठा है उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे जब यदा एवं तुरीय पर्यावसनम जिज्ञासु हो मुमुक्षु इष्यते जिस समय जो जो मुमुक्षु जिज्ञासु मुमुक्षु अपनी तुरीय अवस्था क्या वस्तु है इस प्रकार के मैं उसमें मैं स्थिर होना चाहता हूँ ऐसा उसका भाव मन में भाव आएगा यदा एवं तुरीय पर्यावसन तुरीयों में मतलब जिसको हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं ठीक है ना पद्धति तुरीय जिज्ञासु और मुमुक्षु इष्यते दो चीज दिखाया आपको
आपको जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा चाहिए और मुक्ति की इच्छा चाहिए। तीव्र जिज्ञासा मतलब इसके द्वारा लक्षित होता है वैराग्य, जगत विषय आपका जिज्ञासा नहीं है, आत्म विषय। ये वैराग्य और मुमुक्षुत्व को लेकर के जहाँ पुस्तुरी अवस्था में पर्यवचन आपको अभिष्ट होगा, तब क्या होगा, तदा तत्व ज्ञान प्रतिबंधक प्रातिभाषिक द्वैत उपरमे, उस समय क्या हो जाएगा, ये जो तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक बैठा हुआ था भेद बुद्धि, तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक बैठा हुआ था भेद बुद्धि, वो फिर मत प्रतिबंध प्रातिभाषिक द्वैत जिसके कारण ये प्रातिभाषिक द्वैत प्रपंच दिखा जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उपरमे, है ना, उपरत हो जाएगा, सती उपरमे सती सती शब्द कर अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहमस्मृति वाक्यार्थ साक्षात्कार स्वीकृति फलिता देखिए। हनुमान जी ने एक एक ही सेंटेंस में प्रक्रिया को समझा दिया, प्रक्रिया को समझा दिया, तो क्या हो जाएगा कि जो अद्वैत उपरमे जब भेद बुद्धि मिट जाएगा, मिट जाने पर तो कह रहा भेद बुद्धि मिट जाने पर अद्वैत परिपूर्ण मतलब भेद रही एक पूर्ण व्यापक भेद अद्वैत मतलब भेद रही परिपूर्ण मतलब चारों तरफ से मैं अकेला हूँ, ब्रह्म मतलब व्यापक अहम अस्मि, ठीक है ना, चारों तरफ के वो देखिए, पहले डर लगेगा फिर उसके बाद लगेगा मैं चारों तरफ से स्फुरित हो रहा हूँ, कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं चले, एक ही तत्व जो है वह चारों तरफ अनुभव करने लग जाए, इसलिए बोलते हैं अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म स्मृति वाक्यार्थ साक्षात्कार, कौन सा वाक्यार्थ, तत्व ब्रह्मास्मि महात्मा ब्रह्म, ये वाक्यार्थ आपको साक्षात्कार हो जाएगा, सिद्धति की फलितम्मा, ये फलितम्मा, इसलिए आप क्या बोलता है एवं च सत्याभास में सर्व प्रपंच उपशम, ये क्या हो गया, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदेविक और आध्यात्मिक इस समस्त प्रपंच का उपशम हो जाने पर अद्वैत सिद्धि, जब तक प्रपंच रहेगा तब तक अद्वैत सिद्धि नहीं हो सकता है, ये प्रपंच को प्रविलापन करना, प्रपंच को प्रविलापन करना, कहाँ प्रविलापन करना, कल्पित वस्तु का प्राधिष्ठान में लय प्राप्त होता है, तो अधिष्ठान में जब वो लय प्राप्त करता है कहाँ तक लय प्राप्त कर, यहाँ तक आपकी मन बुद्धि अहंकार, जिस समय और कुछ कर मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, बुद्धि से ये बोलते हैं ना, ये वृत्ति भी चला जाएगा, केवल अस्तित्व मात्र में आ जाएगा, दैत्य प्रपंच सारे उपशम होगी, उस समय आपको अद्वैत साक्षात्कार, यदा एवं तुरीयं पर्यवचनं जिज्ञासु मुमुक्षुष्यते तदा तत्त्वज्ञान के प्रतिबंध कौन है, कि प्रातिभाषिक द्वैत जो सामने दिखाई देता है, प्रातिभाषिक मतलब क्या, हमारी मनोराज्य ही हमारी अद्वैत में अद्वैत निष्ठ प्रतिबंधक है, इसलिए हम बोलते हैं प्रातिभाषिक द्वैत प्रातिभाषिक द्वैत ऊपर में सभी प्रातिभाषिक द्वैत का उपरण में प्रक्रिया क्या बताए, चुप होकर के बैठ करके पहले स्थूल शरीर से अपने मन रखते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर तक मनोरंजन विचरण करते हैं, फिर उस मनोवृत्ति को भी ग्रहण कीजिए, कुछ देर के लिए यदि वहाँ स्थिर हो पाते हैं तो आपको निश्चित ही जो वस्तु मतलब विषय रूप अनुभव जो स्थिति प्राप्त होगा वही तत्व साक्षात, वही तत्व साक्षात, आप जो है एक दृष्टांत तो मैं कुछ इस प्रकार मान लीजिए, भरी बाजार में आप कोई महंगा चीज खरीद रहे हैं, लाइट आपको पूरा भरी बाजार में आप दुकानदार को पेमेंट करने जा रहे हैं पैसे, अचानक बिजली चली गई, उस समय आपके मन में क्या स्थिति है, एक देर के लिए आप कुछ भी विचार मन में नहीं उठता, रुक जाती है, अचानक के लिए आप देखना कोई एक मतलब ये कि आप क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता, वो जो स्थिति है मतलब जब कोई वृत्ति नहीं रहता मन की पता अपने अस्तित्व अनुभव में आता है, वो यथार्थ हमारी स्थिति है, वो हमारी यथार्थ स्थिति है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एवं इसे ऐसा करने एवं च सती इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के सर्व प्रपंच उपशम है, ठीक है ना, ये एक साथ सारा प्रपंच को उपशम करना है, उपशम मतलब क्या हो जाएगा, पहले बोला उपरति, उपरति मतलब ये वस्तु हमारे पास है, ठीक है ना, रति मतलब प्रीति, तो क्या हो जाएगा इससे मन को उठा ले, तो ये जो आप उपशम मतलब क्या जाएगा शांत हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसमें जैसे ही हमारा ममत्व बुद्धि चला गया तो मन फिर वहां नहीं जाएगा, कितना वस्तु संसार में पड़ा हुआ है मेरा मन नहीं जाता वहां, जहां भी ममत्व बुद्धि है वहां पर दौड़ता है, तो ममत्व बुद्धि से उपरति होगा तो मन उपशम उपशम, इसलिए आप बोलते हैं यहाँ तक ये जो आप बोल रहे थे ईश्वर आदि जो हम कल्पना ठीक बोल रहे थे ईश्वर आदि तक जो हम कल्पना करते हैं इसीलिए हमें कर्म फल मिलेगी, ठीक है
व्यवहारिक प्रश्न, परंतु जैसी हमारे कुछ कर्म, कर्म के फल से हमारा कुछ संबंध क्या लेना देना, आत्मा नित्य मुक्त है। तो वहां तक की यदि हम एक बार मन को वहां तक उपरत हो जाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, वहां तक जाने में मन उपशम भी हो जाएगा, उपरति से उपशम, ठीक है ना। इसीलिए हमारे यहाँ पे देखना है कि सम दम श्रद्धा समाधान उपरति दीक्षा, उपरति मतलब विवेक से वैराग्य, वैराग्य के फल उपरति, और उपरति से उपशम शांत, ठीक है। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। इसलिए आप बोलते हैं कि एवं च सति सर्व प्रपंच उपशम अद्वैत सिद्धि, इससे अद्वैत मतलब स्वरूप तो सिद्ध हो जाएगा। उक्त न्याय नटिका में तत्व साक्षात्कार संगृहित सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म स्थावरतेषु आत्मा एक अद्वितीय दृष्ट सजे। ऐसा इस प्रकार से आप कर पाएंगे ना, तब क्या हो जाएगा, उक्त न्याय न, इस प्रकार युक्ति के द्वारा विचार पूर्वक के ध्यान से नहीं होगा, ध्यान काल में आपको विचार दृष्टि खुला रखना पड़ेगा, है ना। उक्त न्याय न, और उपशम अब क्या हो जाएगा, मैं उपरति और उपशम शब्द क्यों बोला, जगत मिथ्या है। हम बोलते हैं कि अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने पर क्या होता है कि फिर वो आपको सर्प नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होना है, ज्ञान होने पर आपको जगत नहीं दिखना चाहिए, परंतु दृष्टांत दृष्टांत में ये भिन्नता है। ये जगत हमने नहीं बनाया, जगत ईश्वर ने बनाया। हमारा क्या बनाया हुआ था, ये मेरा है, इतना में जितना में वो हमारा बना हुआ था, उतना हिस्सा बंद हो जाएगा, ये उपशम है, ये उपशम। इसलिए बोलता है उपरति और उपशम। जगत को आप नाश नहीं कर सकते हैं, जगत ईश्वर सृष्टि है, उसका क्या करेंगे, उस पिंडो में ये मेरा है। तो अल्टीमेटली कहा जब ये पिंड तक आ जाएगा, ये पिंड जो मैं और मेरा बुद्धि था, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं उक्त न्याय ना तत्व साक्षात्कार संग्रहित तत्व संग्रह संग्रहित सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरतेषु समस्त भूत ब्रह्म से लेकर के छोटा चींटी तक आत्मा एक अद्वित एक ही स्वरूप एक चेतन है, भेद रहित एक चेतन है। इस प्रकार से अद्वितीय दृष्ट ये दर्शन तो मरा हो जाएगा। कितना देखिए मतलब कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर स्पष्ट बता दिया यही उपाय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नाम पंथ विद्यते नहि, इसलिए आप देखिए दृष्ट सात नंबर मतलब प्रमित सिद्ध हो जाएगा। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु में प्रमिति उत्पन्न कर, प्रमित शब्द ऐसा बोलते हो तो ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा प्रमित से। और इसी को श्रुति कहती है, जितना हमने तुमको कहा ये कोई मेरा हमारे मनोकल्पित नहीं है। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ इस प्रकार से थी तत्र तत्र ब्रह्म चैतन्य प्रत्यक्तेन अवस्थान अभ्युपगमात् तानि तानि च सर्वाणि प्रातिभाषिकानि भूतानि तस्मिन् एव आत्मनि कल्पितानि दृष्टानि स्युः, ठीक है। शास्त्र क्या कहते हैं, एकदेव सर्व भूतेषु गुण सर्वव्यापी अंतरात्मा च करके दिखाते हैं शुक्ल शुक्ल उपनिषद में। तो एक ही चेतन तत्व है, देखो दो तो नाथ देव स्वयं प्रकाश, इसलिए देव बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई देवता नहीं समझना, स्वयं प्रकाश आत्मा को देव दियो तो नाथ देव, एकदेव सर्व भूतेषु समस्त भूतों में छुपा हुआ, तत्र 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 मतलब क्या हो जाएगा, समस्त भूतों में ब्रह्म की व्यापक चेतनता, ब्रह्म चैतन्य व्यापक एक ही व्यापक चेतनता का ही प्रत्येक तेन अवस्थान सार्वभूत होकर वहाँ पे विद्यमान रहने के कारण अभ्युपगमा ऐसा मानना करने के कारण तानी तानी का सर्वानी प्रातिभाषिक, तो जो भूत दिखाई दे रहा था वो भूत क्या हो जाएगा, प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र होती है। और प्रातिभाषिक वस्तु का क्या होता है, अधिष्ठान की ज्ञान होने के कारण प्रातिभाषिक वस्तु अधिष्ठान मिल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तानी च सर्वाणी प्रातिभाषिकानि भूतानि तस्मिन् एव आत्मनि अधिष्ठान रूपी उसी आत्मा में कल्पितानि दृष्टानि स्युः। देखिए क्या बोल रहे हैं, कल्पितानि दृष्टानि स्युः, ये सारा भूत मेरा ही कल्पना है। इस प्रकार से विवेक पोटेंशियल मोड है, वो भूत में आपको कल्पित तत्व दृष्टि आ जाएगा, सब तत्व बुद्धि चला जाएगा, ठीक है ना। भूत नहीं, देखिए ये जगत वेदांति अनित्य तो सभी वादियों ने माना, और अनित्य तत्व आपको जगत में वैराग्य को नहीं ला सकता है। अनित्य तत्व बुद्धि मान लीजिए मैं जानता हूँ, मैं ये कि बोल रहा हूँ, मैंने बाजार से कोई सामान फल खरीदने लाया, फल मिठाई मिठाई खरीद के लाया, हम जानते हैं कल ये खराब हो जाएगा, इसलिए आज ही समाप्त करूँगा। तो ये अनित्य तत्व बुद्धि
आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं करते, परंतु यदि हमको ये पता लगे कि ये जो है वस्तु मतलब मिथ्या है, इसमें भी पारमार्थिकता नहीं है, तो आपको क्या होगा, उस समय उठ जाएगा। अनित्य वस्तु से मन उठता नहीं है, अनित्य वस्तु मन में आसक्ति बढ़ाता है, ये जाएगा दुष्ट आएगा, परंतु मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तब आप फिर मन होने। अनित्य और मिथ्यात्व में ये फर्क है, अनित्य कभी कभी आसक्ति को बढ़ाता है। सभी वादियों ने जगत का अनित्य तो जरूर माना, मिथ्या सभी वादी एकमात्र वेदांत जगत को मिथ्या मानते हैं, मतलब क्या प्रतीति मात्र तो होती है, मिथ्या मतलब ये है नहीं जाएगा, मिथ्या मतलब क्या रहेगा, जगत प्रतीति होगी आपके सामने, परंतु जिस दृष्टि से आप देख रहे हो वो वहां पर नहीं गए, वहां पर नहीं गए। हम सोचते हैं जागतिक वस्तु हमारे लिए सुखदायक होगा, परंतु आज तक किसी वस्तु किसी के लिए हमेशा लिए सुखदायक थोड़ी देर के लिए होता है, दुख हमें बस सर्वम विवेक दुर्दर्शन से होता है, सारा संसार दुखदायी होता है। इसलिए आप बोलते हैं कि तानी तानी प्रातिभाषिकानी भूतानी तस्वीर व आत्मनि कल्पितानी दृष्टानी छूट, हमारा सब कल्पित है ऐसा दिखाई देगा आपको, तथा च पूर्णतम आत्मनुष्य क्या हो जाएगा, आत्मा की पूर्णता व्यापकता सिद्ध हो जाएगा। भूतांतरणम च तद अतिरेक सत्ता स्फूर्ति विरत्तम सिद्धति, और जो भी कोई भूत आपको सामने दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, मेरा ही सत्ता से सत्ता नित होकर के व्यवहार कर रही है। जब मैं जिस प्रकार देखिए एक पिता अपने पुत्र को उत्पन्न करते पुत्र को मतलब खराब शब्द भी बोल देता फिर भी पुत्र सहन कर देता है, क्योंकि अपना तो बैठा अपना तो बेटा मेरा ही बेटा है। ठीक इसी प्रकार यदि समस्त भूतों में हम अपना आत्मा को देखें तब क्या हो जाएगा, ये मेरा ही स्वरूप है। ठीक है शरीर से अलग दिख रहा है पर तो क्या हो जाएगा, कभी भी किसी के प्रति ना राग होगा ना द्वेष होगा, राग बना द्वेष होगा, इसी को मन में रखते बोलते हैं। तथा च पूर्णतम आत्मा, आत्मा में जो पूर्णता है भूतांतरानांतर जितना भी भौतिक भूत बस दिखाए तद अतिरेक न विरहत्तम, मेरी अस्तित्व से सबके अस्तित्व सिद्ध होता है, ठीक है ना, तद अतिरेक मतलब आत्मा अतिरेक ना सत्ता स्फूर्ति विरहत्तम, उसकी सत्ता स्फूर्ण नहीं हो सकता, सत्ता सिद्ध ही नहीं होगा, दृष्टा नहीं होगा तो दृश्य की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगा, दृष्टा के कारण ही दृष्ट की सत्ता सिद्ध होती है, इसीलिए हमारी अस्तित्व से इसकी सत्ता सिद्ध हो रही है, सत्ता स्फूर्ति विरहत्तम तद अतिरेक ना आत्मा की, यदि यहाँ से ब्रह्मलोक तक अपने कल्पना कर ली, यदि उस ब्रह्मलोक तक मैं नहीं होता तो ब्रह्मलोक की सत्ता सिद्ध नहीं होती, इसलिए आत्मा अतिरेक ना सत्ता स्मृति विरहत्तम सिद्ध जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। तथा ऐसे को मन में रखते हुए ये मनुष्य को दे दिया हुआ है, तब उसको कल करेंगे, ठीक है। देखिए कितना इस पंक्ति पढ़ने लायक है, आनंद गिरी जी ने कितना सुंदर बताया कि कैसे कैसे धीरे धीरे आपकी टीम में शंका उठाया, क्यों आपने अधिक आध्यात्मिक अधिदैविक एक क्यों कर दिया, प्रतिज्ञा किया था आध्यात्मिक को बताएंगे तो अधिदैविक यहाँ पे क्यों लाया, कृति ने दिखाया क्योंकि इस अधिदैविक का भी अधिष्ठान मैं हूँ, फल तो क्या हो जाएगा, जहाँ तक आपने कल्पना किया वहाँ तक आपको लय करना पड़ेगा, परंतु उससे क्या हो जाएगा, अधिष्ठान की व्याप्ति आपको समझ में आ जाएगा, आपको दो चीज यहाँ पे क्या बोला मैं, अश्विन मास किया था ध्यान रखना, वर्तमान को देख करके भविष्य को सुधारे पीछे कोई बात नहीं, एक सेकंड चीज, अपर यदि कोई साध्य वस्तु होगा वो परोक्ष होगा, वो जो है और परोक्ष होने के कारण क्या हो जाएगा, वो परिच्छिन्न भी होगा नाशवान भी होगा, सिद्ध वस्तु है वो स्वरूप भूत है वो अव्यवहार्य होता है, सिद्ध वस्तु अव्यवहार्य है, साध्य वस्तु व्यवहार्य होता है, ये दोनों चीज पांडु को से विशेष मिलता है। और भाष्यकार की पंक्ति शुरू करेंगे, ओम हाँ शुरू करेंगे तो सेकंड, हाँ सेकंड में कैसे कौन सा आएगा, प्रज्ञा वैशाख वेद सुभित जल निधे वेदनामंतरस्थम भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरत जननकाह भोरे समुद्रे कारुण्यादुग्धभारामृतमिदमरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पुञ्चाभिपुञ्चं परमगुरुमम पादपातैर्नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।